बोलो बेबे सारे हर हर महादेव, घर घर महादेव। और मैं आज ही एक आपको शिव गुरु की शिव चर्चा सुना रही हूँ, क्योंकि सावन का महीना है, अभी है एक दो दिन और बाकी है, तो इसलिए सारी बहन बड़े मन से सुनियो और अपने सारे दुखों को दूर करिए और भगवान के प्रति अपना लगाव लगा के रखिए। तो एक कथा सुनाती हूँ बहन, बहुत ही दे उस सुनने के योग्य है, उसको पूरी को सुना करो, क्योंकि आदम छोड़ने से भगवान का अपमान होता है। अगर आप बहुत जरूरी काम कर रहे हो तो ऊंची आवाज में खोल के इसको काम करती रहो, सुनती रहो। तो वे कथा है शिव की इस प्रकार, ले आ जाओ सारी भाण सुन लो। जो न्यू कह दिया ना, अब मैं इतने व्रत करूं, इतने भगवान की पूजा करूं, फिर भी दुखी हूं, तो वो बहन हमें अपने पुराने जन्मों का मिलता है। और ये हमारे जो महादेव जी हैं, ये भी हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन ये भगवान हमारी परीक्षा ही वो और मत लो, और हमें भी अपना जो मांग रहे हैं वो दो। तो बेबे सुन रही हूँ सारे भगवान शिव का नाम लेके कथा को सुनो। एक बार एक सास होती है, बहू होती है, तो उस बहू का दो बेटे हो जाते हैं, सास का दो पोते, और उसका बेटा मर जाता है, बहू का जो आदमी है, तो सास उसको घर से निकाल देती है। और वह बहू है ना, जो बहू थी वह शिव जी की बड़ी 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 भगत थी, बहुत ही बड़ी, तो उस पर विपता पड़ गई। तो वह कहने लगी वह जो सास थी वह कि देखो मेरे इतनी कुलछनी बहू आई है, मेरे बेटे को तो खा गिरी, भैया मेरे को भी खाओगी? और गांव वालों से कहने लगी कि आप गांव के चार पांच आदमी इकट्ठे हो गए, प्लीज मेरा इस बहू से पीछा छुड़वा दो। तो वह बुढ़िया थोड़ी ज्यादा ही वो थी, लेकिन बहू का इसमें कोई भी दोष नहीं था, ये सब भगवान की करनी होती है। तो उसने निकाल दी तो वह बोले देखो तेरे दो पोते हैं, कहाँ जाएगी वो, कि मेरे को नहीं पता, इसको निकाल दो। तो बहुत सब करनी थी बुढ़िया, तो वह निकाल दी बाबू अपने पोतों, अपने दोनों बेटियों को लेके, अरे कहाँ जाएगी बहू का, तो एक सासरा होता है एक पियर, या तो घर या पियर, दो ही चीज होती है। तो वह सास ने निकाल दी, आदमी रहा नहीं, अपनी मायके में चली गई, अपने एक को गोदी में ले रही, रेख की आंगड़ी पकड़ रही। तो उसकी जो भाभी थी वह अपने जहाँ भैंस वैंस बंधते हैं वहां काम कर रही थी, उसने देख लिया कि मेरी ननद आ रही है, तो उसने क्या किया, वह दरवाजे पर जाके खड़ी होगी, दरवाजे पर खड़ी होगी तो झाड़ू लेके खड़ी होगी, दूर से कहने लगी आ जा कुलछनी, अपने को तो खाया ही, अरे हमें खाने आ गई, अरे हमारे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, जब आपके सास ससुर ने निकाल दिया तो हम भी नहीं रखेंगे। तो वह बेचारी वहां खड़ी रही, कहाँ जाऊं ये भगवान, जाऊं तो कहाँ जाऊं, बहनों कई बार इतनी विपता आ जाती है, बहुत ही ज्यादा, पूछो मत, चारों रास्ते बंद हो जाते हैं। तो उस टाइम पर हम सोचते हैं भगवान हमें तू उठा ही लेता जब हमें इतने वो दे रहा, तो इस संसार में ये अपना पराया ये कोई नहीं है, ये सब हमारी बनी बनी के हैं। देखो जब उसके आशीर्वाद में निरा तो दोनों तरफ से निकाल दिया, और जब उसके पास उसकी सुख शांति सब कुछ था तो सभी राजी राजी परिवार में सब खुशहाली से बोल रहे थे। तो ये इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, दुनिया में कोई अपना नहीं है, भगवान को स्मरण किया करो और काम करती रहा करो। लगाव करना है तो ज्यादा प्यार करना तो भगवान से करो, इंसानों से नहीं, इंसानों से इतना ही रखो कि राम राम श्याम श्याम, उनकी विपत्ति में आप काम आ जाओ, वे आए उनकी मर्जी, बस इतना रखना है। भगवान के प्रति सारी वाणा ने कह रही हूँ, थोड़ी पूजा जरूर कराया करो, चाहे दो मिनट का ही जाप करो, और भगवान भोले का जरूर कराया करो। मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ सारिया ने, क्योंकि हमारा रुखाली यही है, लास्ट तक यही रहेगा। तो वे वहां चली गई, वहां रोन लागी, तो बुढ़े थे भी चल पड़ी, कित जाऊं, तो कोई उसका सहारा ही नहीं था। तो उसने गुरु तो नाम ले रखा था, शिव उसके गुरु थे, तो भगवान शंकर सभी देख रहे थे, लेकिन परीक्षा की घड़ी थी, क्या करें। तो वह चली गई, तो वह मंदिर के द्वार पर जाके बैठ गई, रोने लगी। तो उसका बेटा जो छोटा था, जिसकी उंगली पकड़ रही थी, वो रोने लगा कि माँ मुझे खाने को दो, कुछ खाने को दो। तो वह बेचारी कह रही है बेटा क्या दूं, रो ही गई बैठ के। तो इतने देर में आए सब्जी भोड़े, आए एक बूढ़े बाबा का रूप लेके, और आगे
और चादर में जो जोड़ी मांगते हैं ना वह जोड़ी ले रहे, बड़ी की लाठी ले रहे, रागेर मैले कपड़े। तो बोले बेटा तुम, उसने ये नहीं पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, उसने कहा बेटा मैं गांव से 4 रोटी लाया हूँ मांग के, और आप मेरे लिए पानी ला दो इस कुएं से। तो उस वह बेचारी अपना रोना छोड़ के दोनों बच्चों को लेकर कुएं पर पानी लेने लगी चली गई। बाबा डुब्बा ले रहे थे डल्लू कुछ, और तू वहां देखा तो वहां नेजू तो थे नहीं जिससे रस्सी से हम खींचते हैं पानी, वो नहीं था नहीं था। तो वह उसने क्या किया, अपनी साड़ी का पल्ला पाड़ लिया, इतना सब पट्टी पाड़ ली पूरी दूर तक, और उसको उस बर्तन का बांध के कुएं में सिवा पानी भर लाई, क्योंकि परीक्षा की घड़ी थी, देखियो ये बात गौर क्या होगा। तवाली आई तवा बोली ले मारा ले बाबा पी लो पानी। तो बोले बेटा बच्चे क्यों रो रहे हैं, बाबा भूख से रो रहे हैं, मैं कहाँ से लाऊं इनके लिए खाना। बेटा कोई बात नहीं, मेरे पास 4 रोटी है, एक तो दो तो दी छोटे बच्चे को और एक दी उस बच्चे की माँ को और एक उसने खुद खाई, तो 4 रोटी खा ली पानी पी लिया छक लिया पेट भर गया। तो बोला बेटा तुम्हारी दिशा ऐसे ऐसे क्यों हुई। तो उसने बता दी कि बाबा ऐसे ऐसे हो गया, सिर्फ आदमी नहीं रहा, आदमी का साया नहीं रहा, तो मेरे को सभी ने निकाल दिया, तो निकाल दिया। तो देखो अपने आदमी की सभी बहनें इज्जत किया करो, और आदमी है वे अपनी औरतों को किया करो, वही औरतों के बिना तो आदमी का कुछ नहीं होता, और आदमी के बिना औरत का नहीं कोई ठिकाना होता। तो वो कहने लगा कि ठीक है बेटा ले तेरे को एक मुट्ठी में चावल देता, ये रखना अपने पास। बाबा इन चावलों का मैं क्या करूंगी, मेरे पास चूल्हा नहीं, जगह नहीं रहने के लिए, कहाँ पकाऊंगी कैसे करूंगी। तो बेटा आप ये चावल ले लो, उसने झोली में ले लिए, ले लिए तो बोला जब भी आपको भूख लगे तो 2 दाने चावल के खा लेना। ठीक है बाबा, वो बाबा भगवान भी अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। तो उसने क्या करा, उनका बेटे को भूख लगा दो दो चावल के दाने दे दो, भी छक ले मामा भर गया मेरा पेट, और उसको भी खुद भूख लगा वह भी खा ले अपने, खा लेता अपना निम्न गुजारा कर रही बैठी बैठी। फिर भी वहां बैठी तो एक किसान जा रहा था, तो किसान जा रहा था तो किसान भाई बहुत अच्छे होते हैं जी, हमारे पिताजी भी किसान हैं और हम भी किसान ही हैं भाई, जो किसान की बेटी हूँ और किसान के परिवार में मैं बह रखी हूँ, तो हम भी किसान ही हैं। तो कहने लगा कि तो आप है ना, मैं अपनी धर्म की बहन बना के रखूंगा, उन्हें सारा दुख पूछ लिया और तू मेरे पास चल। तो वह चली गई चली गई। तो वो भी गरीब ही था बेचारा, तक एक रहा वो खूब काम करती मजदूरी करती, और किसी का गोबर डा गेरती, किसी का पानी भरती, किसी का बर्तन मांजती उसके घर में, बस उस मन तो बेचारे ने रहने के लिए जगह दी थी नहीं, वो भी गरीब था। तो वह ऐसे मजदूरी कर करके अपने बच्चों को पढ़ाया, दोनों को बड़े हो गए धीरे धीरे पढ़ाया। तो उसका बड़ा बेटा नौकरी पर लग गया बढ़िया कि उसमें, और तो फिर रिश्ते आने लगे उसके बेटे के, तबाह कहने लगी मैं रिश्ता कैसे लूं, मेरा तो घर भी कौन है, मैं कहाँ रखूंगी वो बेटे ने। तो बोला कोई बात नहीं माँ, मेरे पास बहुत पैसा है, हम घर भी लेंगे सब कुछ करेंगे। तो उन्होंने अपना मकान भी ले लिया, फिर जो जिस किसान के घर में रहा था उसको भी बहुत सारे पैसे दिए, धन दिया उसने आके, क्योंकि पिताजी आपने हमें आश्रय दिया, मेरी माँ को उस टाइम पर हम बहुत छोटे थे, तो उसको उसके भी वह सारा बने उसको भी संभालते, और आप भी ले लिया, और तब अपना ठाठ बाठ हो गए सब क्या है के, सब क्या है के हो गए। तो सास पर देखो विपता पड़ गई, क्योंकि बूढ़ा तो सभी देख रहा था, इसलिए वे भी जो भी ये भगत हैं, जो गुरु भगत गुरु जी हैं, जो नाम ले रही हैं, जो गीता पाठ करते हैं, बहन उनको सताया मत करो, क्या पता कोई कैसा सताव दे दे, तो भगवान उनके साथ रहते हैं, तो कोई लड़ाई झगड़ा मत करा करो, किसी से ईर्ष्या मत करो, ये सब कुछ हमें छोड़ के जाना है एक दिन, इस बात को तुम पक्का अपने याद रखा करो। तो बेबे वो चले गए, तो वह सास पर विपता पड़ गई, ससुर उनके जो ससुर थे वह तो मर गए थे, और वह बुढ़िया अपना एकली कितने आती खाना, वह घर घर अपने भिक्षा मांग के पेट भरा करती, गांव वाले ने भी निकाल दी, कोई भिक्षा नहीं देता था, किसने अपनी बहू और पोते निकाल दिए, तब अब कौन देगा, इससे तो बुरी कोई हो नहीं सकती। तो वह उसी उसमें चली जा जित उसकी बहू रोवे थी, तो रही जा तो अपने भिक्षा का लम, तो वह बहू आई बाजी उसके दरवाजे पे चली गई, उनके पता था मेरी बहू है यार, तो वो आई तो आई तो उसने पहचान दिया, क्या तो हो सके तो मेरी सास ही है।
दवा उसका भिक्षा डालने लगी ना ऐसे, तो उसके आंखों में पानी आ गया और उसके बुढ़िया के पैरों में टपक गया। दवा ऐसे लगाई लखाए के बोली, बेटा दुखी तो मैं हूँ, मैंने रोना चाहिए और आप क्यों रो रहे हो? और तो उसने बताया कि माता जी आप मतलब कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या आपको कोई है नहीं? अख नहीं बेटा मेरा कोई नहीं है। भला कहीं हो याद करो। अख नहीं बेटा मेरा कोई भी नहीं है। तो बोली आपने अपनी बहू और पोतों को निकाल दिया था? हाँ। के माँ मैं वही हूँ। अच्छा, तो बुढ़िया ने अपनी बहू अपने गले से लगाई और अक्स माँ मांगी, सबको इकट्ठा करके सभी को ये कहा, कभी भी अपने बहू बेटों को ऐसे मत निकालो, कितने भी बुरे हैं। देखो बुरी नहीं थी फिर भी उसने, ये तो भगवान का ही काम था, उसने निकाले थे तो भगवान भोले ने उनको फिर मिला दिया और सासू को एहसास दिला दिया कि कभी भी बहुओं को घर से नहीं निकालना चाहिए और वे बहुओं ने सास की इज्जत करनी चाहिए। देखिए अपना परिवार में जितने दिन आए हैं तो मिल के रहो और भगवान को प्यार करो, मिलो सभी के साथ, प्यार करो भोले से, शिव से, गुरु से। तो वे सारे मेरी भाणा ने, मेरे गुरु भाई भाणा ने और सारे मेरे यूट्यूब फैमिली ने, दो जो दा चमनगढ़ फैमिली को देखता है उन सबको मेरी राम राम जी और जय शिव और जय हो मेरे गुरु भगवान की जय।